हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज वसुंधरा एंड आज हम बात करेंगे होमोफोन्स एंड होमोनिम्स की। सो आई हैव सिलेक्टिवली पिक्ड सम होमोफोन्स होमोनिम्स। हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे ताकि जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कवर कर सके उसको हम करेंगे, राइट। बहुत लिमिटेड से है ये वर्ड्स एक्चुअली, और एग्जाम में भी आप देखोगे जितनी बार आए हैं रिपीटेड ही आए हैं। तो इसमें अगर आप थोड़े बहुत भी जो इनके कुछ 15-20 वर्ड्स हैं वो अगर आप कर लो तो आई थिंक अगर एग्जाम में आ भी जाता है तो आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। अब होते क्या है, देखिए, फोन जो रूट वर्ड है, फोन का मतलब होता है बेटा साउंड, जिनका सेम साउंड हो पर मीनिंग अलग हो। होमोनिम्स जैसे जिनका साउंड डिफरेंट हो, मीनिंग जो है वो सेम हो, तो इस तरीके के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, होमोनिम्स और होमोफोन्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अल्यूजन और इल्यूजन में क्या फर्क होता है। और जैसे हमने पेपर में देखे हैं डायरेक्टली आने लग गए हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन अल्यूजन एंड इल्यूजन, इस तरीके से अलग अलग मीनिंग्स ABCD में आपको दिए होंगे, वेयर यू हैव टू टेल द आंसर। तो देखो अल्यूजन का मतलब होता है, इल्यूजन याद करना तो बड़ा आसान है। जैसे पिक्चर देखो, ये आपको लग रहा है इल्यूजन, भ्रम कर रही है आपको। जब हम बात करते हैं डेजर्ट में मिराज की, कि अगर आप बहुत देर तक रेगिस्तान में चलते रहो तो थोड़ी देर में आपको लगेगा कि पानी आपके सामने, आप उस डायरेक्शन में बढ़ते जाओगे लेकिन वो पानी वहां नहीं होगा, आपके दिमाग का भ्रम था वो, इट वॉज एन इल्यूजन, ठीक है, हिंदी में जिसे भ्रम कहते हैं। अल्यूजन होता है बेटा इनडायरेक्टली किसी की तरफ इशारा करना। जैसे मैं अगर किसी बच्चे को बोलूं कि भाई ये तो इस क्लास का न्यूटन है, अब न्यूटन का मतलब ये तो नहीं कि मैं चाह रही हूँ बोलना कि भाई ये क्या है, ये न्यूटन है, इसका नाम न्यूटन रख दे, नहीं, मैं कहना चाह रही हूँ कि he is intelligent like Newton. If I say that, you know, you are the Virat Kohli of my class, I don't mean to say that your name is Virat Kohli. I'm trying to say that you are a good cricketer like him, right? So allusion है indirect reference और illusion है एक भ्रम। Compliment, compliment अगर आपको याद नहीं है तो क्या आपने बचपन में या अभी मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल सुने हैं? नहीं सुने तो सुनना। कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिसका सम दो एंगल्स का जो साथ में होते हैं, जिनका सम जो है वो 90 डिग्री हो, ठीक है, इस तरीके का कुछ लॉजिक होता है। अबे कॉम्प्लीमेंट की हम बात करें तो थिंग्स दैट गो टुगेदर, कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें थिंग्स दैट गो टुगेदर, जैसे हम बड़े फूड कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं ना, हम कहते हैं कि यू नो दिस रियली कॉम्प्लीमेंट्स दिस, कि ये इसके बिना जो है नहीं सही लगेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि यार मैगी एंड कोक कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, देखो मैं जंक फूड का एग्जांपल दे रही हूँ बट खाना नहीं चाहिए, है ना, अवॉइड जंक, ये मेरा मैसेज है ताकि जब आप इसकी टेलीग्राम पे फाइल देखें तो आपको पता हो। अब कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट है वो चीज जो आप किसी को जैसे कहते हैं ना कि लाइन मारने के लिए देते हो, जैसे लाइन याद रखना इधर, कॉम्प्लीमेंट, वर्ड्स ऑफ प्रेज, किसी की तारीफ करने के लिए आप बोलते हो ना कि मतलब आई कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन हर ड्रेस, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज टी शर्ट, एनीथिंग, कॉम्प्लीमेंट है व्हेन यू ट्राई टू प्रेज समवन, राइट। ये इन दोनों में फर्क है। अब देखिए कंप्लेजेंट, देखो यहाँ पे ना प्लेज जो वर्ड है ना इससे याद रखना, जो मतलब दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करे, जो बहुत ज्यादा कंप्लेजेंट हो, मतलब जिसे हम पीपल प्लीजर भी कहते हैं, जो बिल्कुल ही मतलब कि आप लगा लो हिसाब, ही इज रेडी टू डू एनीथिंग जस्ट सो दैट द पीपल अराउंड हिम आर प्लीज। सम पीपल दे डोंट केयर, दे हार्डली केयर कि लोग क्या सोच रहे हैं, बट कुछ लोग they are very cautious about what they are doing, कि भाई लोग खुश होने चाहिए मेरे आसपास, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं हम, people pleaser या complacent. Complacent on the other hand का मतलब होता है satisfied, content भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, meanings तो याद रखनी पड़ेगी। अब कौन से वाला कौन सा है ये याद रखने का मैं ट्रिक आपको बता सकती हूँ। इस वर्ड को बेटा प्रोनाउंस करते हैं कॉन्शियंस और इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं कॉन्शियस। तो देखो कॉन्शियंस में साइंस आ रहा है, साइंस जहां भी आएगा वो आपको सही गलत बताएगा कि भाई जादू वादू कुछ नहीं होता, हर चीज का एक रीजन होता है, ये काम कौन करता है, साइंस। तो जहां साइंस आ जाए वो आपको बताएगा, जैसे हम कहते हैं ना भाई मेरी अंतरात्मा, माय कॉन्शियंस डजंट अलाउ मी टू डू दिस,
इट इज बिकॉज यू हैव अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. ऑन द अदर हैंड कॉन्शियस का क्या मतलब होता है? जागा हुआ, जैसे हम बोलते हैं सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, जैसे कि उसको चक्कर आ गई, वो अनकॉन्शियस है ना, हमारी सबकॉन्शियस माइंड को पता चल रही है. सब क्या है? हमारी जागे रहने की जो स्थिति है उसको कहा जाता है कॉन्शियस. और कॉन्शियंस तो हमें पता ही है, जहाँ साइंस आ गया जिस स्पेलिंग में, इट टेल्स यू द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. आमतौर पर बच्चे इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं और आप अब नहीं होंगे, ठीक है. क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक का मतलब है बेटा क्लाइमेट रिलेटेड, जो चीजें क्लाइमेट से रिलेटेड हो. जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस आर फॉर रियल, पेड़ कट रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये सभी क्लाइमेटिक चेंजेस. अब क्लाइमैक्टिक क्या है? देखो क्लाइमैक्स रिलेटेड, पिक्चर खत्म होती है ना, या पिक्चर के खत्म होने से पहले या तो एक पिक्चर की शुरुआत होती है और एक पिक्चर का क्लाइमैक्स होता है, एंड होता है. क्लाइमैक्टिक होता है बेटा क्लाइमैक्स से रिलेटेड. अब मान लो कोई सीन आया मूवी में और आप बोलो कि यार बस अब ये क्लाइमैक्टिक सीन है, ठीक है, यानी कि ये सीन पे अब मूवी जो है इसके बाद खत्म होने वाली है, तो क्लाइमैक्टिक है क्लाइमैक्स से रिलेटेड. प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल बड़ा आसान है, हमें पता है एक होता है स्कूल का हेड और एक होता है जिंदगी के उसूल नियम, पर कौन सा वाला है? अब देखो प्रिंसिपल के ऑर्डर का पालन करना पड़ता है, पालन वाला पीएल ये है, पालन करना पड़ता है. प्रिंसिपल इज द हेड एंड प्रिंसिपल क्या होता है? हमारी वैल्यूज. बड़ा इजी तरीका है, कभी नहीं भूलोगे इसको. प्री रिक्विजिट और परक्विजिट, देखो परक्विजिट तो बोलने में ही आ गया, पर्क्स, पर्क्स बोलते हैं ना कि भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये पर्क्स है. पर्क्स का मतलब होता है बेटा एक्स्ट्रा एडवांटेजेस, ठीक है. परक्विजिट का मतलब होता है पर्क्स, एक्स्ट्रा एडवांटेजेस. एंड प्री रिक्विजिट देखो इसको ऐसे समझो कि प्री रिक्वायरमेंट, जैसे आप एलिजिबिलिटी में भी कहते हो कि भाई अगर ये वाला पेपर देना है तो प्री रिक्विजिट है कि तुम्हारी एज इतनी इतनी होनी चाहिए तब जाके बनेगी बात. सो प्री रिक्विजिट एंड परक्विजिट बोथ आर डिफरेंट. प्रोस्क्राइब एंड प्रिस्क्राइब, देखो इसको याद रखिएगा, एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ. जब आप बीमार होते हो डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, वो आपको बताता है ये दवाई खा लो, ये इस प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है. He prescribes you certain medicines. He allows you कि भाई ये खा लो, ठीक है. Prescribe मतलब जो आपको चीज सुझाई गई है. Proscribe करता है, जैसे वो आपको कहता है यार आप बीमार हो, एक काम करो ये फलानी फलानी दवाई खा लो, स्टीम ले लो, ऐसे कर लो, और अगर ज्यादा आपको जुकाम खांसी लग रही है तो आप ठंडा ज्यादा मत खाना, ठंडा पानी मत पीना, आइसक्रीम मत खाना, ज्यादा एसी में मत बैठना, ज्यादा आप मतलब ठंडी जैसे पानी वगैरह का काम मत करना. ये क्या काम हो? ये होता है प्रोस्क्राइब, जिस चीज से वो आपको परहेज रखने को बोल रहा है. तो प्रिस्क्राइब विच इज अलाउड टू यू, प्रोस्क्राइब विच इज नॉट अलाउड टू यू. प्रिस्क्राइब प्रोस्क्राइब सुनने में एक जैसा है, लेकिन याद रखना जब डॉक्टर के पास जाते हैं पर्ची कटवाते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन होती है कि ये चीज करनी है. तो प्रोस्क्रिप्शन क्या है? जो जो चीज नहीं करनी, जिसे हम हिंदी में परहेज भी कहते हैं, ठीक है जी. टॉर्चुअस और टॉर्चरस, अब देखो टॉर्चरस तो बड़ा आसान है, जो चीज आपको टॉर्चर कर दे. अब मैं आपको एक घंटे बिठा के पढ़ाऊं या चार घंटे बैठ के पढ़ाऊं, आप बोलोगे यार कितनी टॉर्चरस क्लास थी. विच टॉर्चर्स यू, टॉर्चुअस का क्या मतलब होता है? ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये आता है वर्ड टॉर्क से. अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, टॉर्क मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है. अब मेरी बात सुनो, टॉर्चुअस जिसमें बहुत ज्यादा टर्न्स और ट्विस्ट, जैसे मैं बोलूं कि यार माउंटेन्स में जो रोड्स होती है ना, दे आर टॉर्चुअस बिकॉज दे आर फुल ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, राइट. सो ये कभी भी नहीं भूलना. एमिनेंट और इमैनेंट, लास्ट वर्ड देखिए हमारा, कैसे याद रखे इसको. देखो एमिनेंट, एमिनेंट से याद रखो. एमिनेंट पता है सबको, द फेमस रैपर एमिनेंट, फेमस है ना, सब जानते हैं उसको. एमिनेंट का मतलब भी वही होता है, फेमस. एमिनेंट का मतलब क्या होता है? फेमस. अब सोचो कि इसने अपना नाम यहाँ से लिया है या इसके नाम के बाद ये बन गया वर्ड, अब ये आपकी चॉइस. इमैनेंट का बेटा मतलब होता है इनहेरेंट, जो आपके अंदर चीज हो, जो एक मैन अपने अंदर परमानेंटली लेके आता है, ठीक है. इनहेरेंट, जैसे His singing qualities are immanent, मतलब उसको विरासत में मिली, inherit करी है उसने, ठीक है. तो ये थे आपके कुछ कुछ
होमोफोन्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट जरूर करो। आप लोग कमेंट नहीं करते यार, लाइक करो और शेयर करो जितना हो सके। आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन ऑन माय चैनल इंग्लिश विद वसुंधरा, यू कैन चेक इट आउट देयर। ऑल्सो आई हैव बीन सेंडिंग ऑल द PDF लिंक्स देयर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वोकैबुलरी इस बार आपकी जो है बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी। धीरे धीरे टेस्ट भी हम लेके आएंगे और डिस्कशंस भी करेंगे। टिल देन गुड लक, कीप प्रैक्टिसिंग एंड जय हिंद।